शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के करीबियों से 12 घंटों की सीबीआई की पूछताछ खत्म, उनमें से कुछ को दोबारा बुलाया जा सकता है। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा, अगर शराब माफिया का भ्रष्टाचार रोकना होता तो सबसे पहले सीबीआई की रेड गुजरात में होती। देश के लोग इनसे अब दुखी हैं कि यार हम सरकार चुनते हैं, मोदी जी केवल 24 घंटे उसको गिराने में लगे रहते हैं। अरे आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया, आप देश के लिए अच्छा सोचो, जिनको हमने राज्य के लिए किया है उसको राज्य के लिए अच्छा सोचें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था डिप्टी सीएम को आरोपी बताते हुए केजरीवाल को बताया असली मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया का नाम दिया मनीष। कमाई करो और चुप रहो मनी। हिमाचल के नाहन में जेपी नड्डा की रैली, 2047 तक भारत को विकसित बनाने का दोहराया लक्ष्य, बोले प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बदल रहा है देश। पांवटा साहिब भी पहुंचे जेपी नड्डा गुरुद्वारा में टेका मत्था, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। पंचकुला में नई बीजेपी दफ्तर पंचकमल का उद्घाटन समारोह में मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हर व्यक्ति के मन को मान सम्मान स्वाभिमान मिल जाए, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान मिल जाए और आत्मा के सुख के लिए भगवान मिल जाए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का आरजेडी के मंत्रियों को निर्देश, उम्र में बड़े लोगों को नहीं छूने दें, अपने पैर ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करें। ममता बनर्जी पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का आरोप, सीएम की जिद की वजह से किसानों को नुकसान। सुगान मजुमदार ने कहा कि बंगाल के किसानों को नहीं मिली पीएम सम्मान निधि। बीजेपी का आरोप, ममता की वजह से बंगाल के सरसों किसानों को नहीं मिली सब्सिडी। आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने इंदर मेघवाल के परिजनों से की मुलाकात, अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजी। बेनीवाल ने परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया, भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सांकेतिक धरना भी किया। पंजाब सरकार पर कांग्रेस का हमला, राजा वर्डिंग ने कहा कि जनता को मूर्ख बना रही है सरकार। कांग्रेस ने भगवंत मान पर लगाया बदले की भावना से काम करने का आरोप। पंजाब की आबकारी नीति पर भी हो सकता है बवाल, प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि दिल्ली में बनी पंजाब की शराब नीति। तेलंगाना के मंत्री केटी रामा राव ने प्रदर्शनी के लिए विजिटर ऐप को लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की राजीव गांधी किसान निधि। अल्पसंख्यकों पर राजस्थान बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा का भड़काऊ बयान पर सुलगी सियासत, कहा हमने उनके 5 मारे, उन्होंने हमारे 1 को मारा। ज्ञानदेव आहूजा के बयान पर कांग्रेस का हमला, सुरेंद्र राजपूत का ट्वीट, बीजेपी का आतंकी चेहरा बेनकाब। बयान पर बवाल बढ़ने के बाद ज्ञानदेव आहूजा की सफाई, कहा मेरी बातों का गलत मतलब निकाला गया। मुंबई पुलिस को 26/11 जैसे हमले की धमकी का मैसेज, पाकिस्तानी नंबर से कहा 6 लोग काम पर लगे, एजेंसियों ने शुरू की तफ्तीश। मुंबई पुलिस ने विरार में एक शख्स को पूछताछ के लिए उठाया, धमकी वाले मैसेज में लिखा था इसी शख्स का नाम। जालौरकांड के विरोध में यूपी के मुरादाबाद में विरोध प्रदर्शन, भारी बारिश की वजह से फंस गए थे लोग, एसडीआरएफ की टीम ने देर रात किया रेस्क्यू। एमपी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, सामान्य से 21% ज्यादा बारिश। मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में कहा कि फिर सक्रिय होगा मानसून। नरसिंहपुर, छतरपुर, दमोह, रेवा और भोपाल में भी अगले 24 घंटे में तेज बारिश का अनुमान। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, आसपास के घरों को में बाढ़ का पानी घुस गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही, एनडीआरएफ की टीम बचाव में जुटी हुई, अब तक 19 लोगों की मौत का लापता। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भीषण बारिश से रोड जाम, घंटों तक फंसे रहे हजारों पर्यटक। देवप्रयाग में NH 58 पर लैंडस्लाइड होने की वजह से आवाजाही प्रभावित,
रास्ते को खोलने का काम जारी। ऋषिकेश से सटे हुए पौड़ी जिले में बादल फटने से तबाही, भारी बारिश के चलते दीवार ढहने से मलबे में दबी महिला। झारखंड के देवघर में तेज आंधी बारिश से कई पेड़ क्षतिग्रस्त, घंटों तक रुका रहा यातायात। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भूस्खलन से मिट्टी का कच्चा मकान गिरा, मलबे में दबने से दो बच्चों की मौत। राजस्थान के धौलपुर जिले में जमकर हो रही बारिश से पानी पानी हुआ शहर, बाढ़ जैसे हालात। झारखंड के रामगढ़ जिले में मूसलाधार बारिश से पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं कई वाहन, तेज बहाव में बहे दो शव भी बरामद। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, आसपास के लोगों ने पलायन किया। भरतपुर में एक महिला ने की अपने पति की हत्या, शराबी पति रोज नशा कर करता था पत्नी के साथ मारपीट। इंदौर में तीन दिन से लापता बैंक के कलेक्शन एजेंट की हत्या, राव के नाले में बंद बोरे में लाश मिली। बिहार के मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी, दिन दहाड़े कोर्ट जाने के दौरान न्यायालय कर्मी को गोली मारी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से पुलिस ने किया जाली पासपोर्ट और वीजा रैकेट का भंडाफोड़, आरोपियों के पास से मिले 325 भारतीय पासपोर्ट समेत 178 देशों के फर्जी वीजा। देवघर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, एक देसी पिस्टल और एक मैगजीन जिंदा कारतूस के साथ विकास परिवार और देव कुमार गुप्ता गिरफ्तार। तेलंगाना के करीमनगर में तीन कातिलों ने कुत्ते की हत्या की, सामने आए हत्या की दिल दहला देने वाली तस्वीर। उत्तर प्रदेश के महोबा में 18 वर्षीय छात्र ने लाइसेंस से पिस्तौल से गोली मारकर जान दी, पिता की डांट के चलते ये कदम उठाया। गौ तस्करी के मामले में अनुव्रत मंडल के वकील की कोर्ट में गुहार, खराब तबीयत के चलते मांगी बेल। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बासी पनीर की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 9 लोगों की तबीयत बिगड़ी, 6 जिला अस्पताल में भर्ती, 3 की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के बागबीत में चाइनीज मांझे का कहर, 18 घंटों में 3 लोगों की गर्दन कटने से वो घायल हुआ। बागपत में पतंग उड़ाते बच्चों की लड़ाई में खून खराबा, ग्राम प्रधान के साथ जमकर मारपीट कर अपराधी भागे। केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने ईरान का दौरा किया, चाबहार पोर्ट का निरीक्षण किया। चाबहार पोर्ट पर स्मूथ ऑपरेशन के लिए सोनोवाल ने ईरान को सौंपी 6 मोबाइल क्रेन। पोर्ट निरीक्षण के बाद सोनोवाल ने कहा कि चाबहार के विकास के लिए भारत प्रतिबद्ध है।